ये बोलने का मतलब है वहां पर, अरे पूरे डिजर्व में ये पानी का बूंद अगर गिर गया कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर जो लीला का जो स्ट्रगल है, जो डौरी लेने वाले से मैं शादी नहीं करती बोल के बोले तो, सारी दुनिया डौरी ले रही कर रही, शादियाँ हो रही जा रही, गाड़ी घोड़ा गधा सब दे रहे ले रहे जा रहे आ रहे सब करते आ रहा, तुम एक कर रहे तो मैं नहीं कर रही, तुम नहीं कर रही तुम बोलो, क्या फायदा होने वाला है इस टॉपिक को लेके आप, इस टॉपिक को लेके आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन बना सकते हैं। कन्वर्सेशन नंबर वन एंड कन्वर्सेशन नंबर टू, अगेन आपको बता रहा हूँ, परिष्कार मिशन है हमारा, परिष्कार मिशन में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नंबर सर्वदा आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द स्टूडेंट क्लियर इंग्लिश डिजिटल थोड़ा बहुत। बेसिकली मुझको कहा गया है कि एग्जाम फोबिया के बारे में बात करें। एग्जाम फोबिया बेसिकली आता क्यों है वो देखेंगे, वो रीजन अगर नहीं है तो फिर एग्जाम फोबिया के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने। बेसिकली एग्जाम्स को आप अपने पास जो 45 डेज है उसकी तैयारी कैसा करना, अगर हम उसमें टोटली मसरूफ हो गए तो हमारे फोबिया के लिए वक्त ही नहीं बचता, फोबिया के लिए वक्त ही नहीं बचता अपने को, मसरूफियत इतनी बिजी रहना कि आप प्लान करके वो प्लान एग्जीक्यूट करना, डर क्यों होता कोई सब्जेक्ट में एग्जाम में जाना है तो डर क्यों होता, बेसिकली उसकी तैयारी बराबर नहीं है तो डर होता ना। वो गलतियों पे थोड़ा समय एक दो मिनट अपना बिताऊंगा, दो चार मिनट गलतियां क्या करते हैं हम एग्जामिनेशन के दिनों में जब नहीं कर रहे तो। लेकिन एग्जाम्स के बारे में जो बोलो पढ़ना जरूरी है, ज्यादा पढ़ना भी है तो अर्ली मॉर्निंग उठ के 4 बजे 5 बजे सबसे पहले पढ़ा नहीं सकता, खदम जो जानिबे मंजिल पढ़ा नहीं सकता, खसम खुदा की वो मंजिल को कभी पा नहीं सकता। बचाए रखता है जो दामन अपना कांटों से, बचाए रखता है जो दामन अपना कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकता, वो फूल कभी बन के मुस्कुरा नहीं सकता। द टॉपिक विच इज बीन ऑनर्ड मी ब्लेस्ड फॉर मी टू शेयर माई व्यूज ऑन व्हाट इज आफ्टर एसएससी। Children, before entering into that topic, I always speak, a desire starts from second standard. जो हमारी ख्वाहिश अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं गौस मोहम्मद खान प्रेसिडेंट बहादुरपुरा आईआईटा की जानिब से बोल रहा हूँ, और अल्लाह के फजल करम से सहाना फंक्शन हॉल में
आईआईटी बहादुरपुरा की जानिब से लड़कियों और लड़कों के लिए जो है ना एक एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, जिसमें अच्छे स्पीकर्स शरीक हुए हैं और बच्चों को अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं, जिसमें सादत साहब हैं, समद साहब हैं और मैडम कौन से हों, करिश्मा मैडम हैं और दूसरे साहब हमारे स्पीकर्स बोलने वाले हैं उसको। बहरहाल अल्लाह का फजल करम है कि एक 400 लड़कियां और 300-400 लड़के मौजूद हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है सहाना फंक्शन हॉल में, अल्लाह का करम है। और तकरीबन 30-32 लोग स्कूल से यहां पर पार्टिसिपेट किए हैं और जिनके तकरीबन 700-800 लड़के यहां पर जमा हैं। और मैं आईआईटी बहादुरपुरा का शुक्रिया अदा करता हूँ, आईआईटी हैदराबाद डिवीज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के इनाखात के लिए बड़ी कामयाबी की है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मोहम्मद महमूद अली सोहेल, आईटा प्रेसिडेंट ग्रेटर हैदराबाद। ये बात बताते हुए बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ कि आज आईटा की जानिब से बहादुरपुरा मंडल के अंदर एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़द किया गया। माशाल्लाह काफ़ी कामयाब ये प्रोग्राम रहा, जिसके अंदर कमोबेश 800 से 900 बच्चे जो आपके इसमें शिरकत किए हैं, और बेहतरीन स्पीकर्स को आपने सुना है। हाउ टू राइट द एसएससी एग्जामिनेशन एंड व्हाट आफ्टर एसएससी, और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इस मौके से बच्चों के सामने काफ़ी मुफीद बातें रखी है। पिछले कई सालों से आईटा इस तरह के प्रोग्राम्स को मुनक़द करता आया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के लिए तकरीबन 7 मंडलों के अंदर कमोबेश 10,000 स्टूडेंट्स को आईटा की जानिब से एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के जरिए से ट्रेन किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि वो किस तरह से एसएससी की तैयारी करें और इंशाल्लाह ताला आने वाले ज़िंदगी में उनको एसएससी के बाद जो मौके हैं उसको हासिल करने के लिए उनको वाकिफ करवाया जा रहा है। इस मौके पर हमारे साथ माशाल्लाह आईटा बहादुरपुरा मंडल की पूरी टीम, शौकत साहब, जनाब गौस साहब प्रेसिडेंट, आमिर साहब जनरल सेक्रेटरी, रुसत मैडम ट्रेजरर, और इसके अलावा नेशनल प्रेसिडेंट अनवर खान साहब, रियाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट शहबाज साहब, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये आईटा के लिए बड़ा एजाज़ है कि दुनिया हिंदुस्तान की वाहिद टीचर्स एसोसिएशन है जो इस तरह के काम को आगे इस काम का बेड़ा उठाया है और काफ़ी कामयाबी के साथ इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द हो रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।